नमस्कार। आज हम कक्षा अष्टमी के विषय विज्ञान में अध्याय पांचवा का नाम है कोयला व पेट्रोलियम। इस अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कोयला व पेट्रोलियम पढ़ने से पहले सब आता है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन क्या होता है? तो बहुत बच्चों के ये शब्द आते हैं, कुछ क्लिष्ट शब्द है, तो उन बच्चों की समझ में नहीं आता है कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन हमें यह सोचना है कि हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु, उसको हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। और आगे शब्द जुड़ा हुआ है क्या? प्राकृतिक। शब्द क्या जुड़ा हुआ है? प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक प्रकृति से प्राप्त होने वाले वस्तु ही हम उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो परिभाषा हो जाएगी कि प्रकृति से प्राप्त होने वाली संसाधनों को हम कौन से संसाधन कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राप्त होने वाली संसाधनों या वस्तुओं को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा, प्रकृति के अंदर बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, तो उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों के अंतर्गत बांटा गया है। किसके आधार पर? उपलब्धता के आधार पर, जिसका हम उपयोग करते हैं। तो शब्द आ जाएगा उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का कह सकते हैं वर्गीकरण, या कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला हम प्राकृतिक संसाधन पढ़ते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा हो जाएगा? अक्षय। अक्षय का अर्थ होता है जो नष्ट नहीं होने वाला। हिंदी के अंदर हम पढ़ते हैं अक्षय। अक्षय का क्या होता है? जो नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। अर्थात कौन से? वे प्राकृतिक संसाधन जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा नष्ट नहीं हो सकते हैं, खत्म समाप्त नहीं होने वाले होते हैं, वे कौन से हो जाएंगे? अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन खत्म कौन करता है? संसाधनों का उपयोग कौन करता है? उपयोग कौन करता है? मानव करता है, और ये मानव के उपयोग द्वारा ही नष्ट होते हैं। हम अगर किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु हो, उसका यदि अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो ऐसी वस्तु जल्दी क्या हो सकती है? समाप्त हो जाती है। हमारी आने वाली पीढ़ी उसका क्या करेगी? उसको देखती रहेगी, केवल किताबों में पढ़ती ही रह जाएगी कि ऐसी वस्तुएं थी और हमारे बुजुर्ग उपयोग करते थे। आप भी देखते हो घरों के अंदर कभी कभार खाना बनता है ना, खाना खाने के लिए हम 10 आदमियों का खाना बनाया हूँ। कितने आदमियों को बनाया? 10 आदमियों का। और आदमी कितने आ गए? 15 आदमी आ गए। अब 15 आदमी 10 आदमियों ने खत्म कर दिया, तो 5 क्या कह देंगे? उनका उपयोग करने की क्या रह गए? वंचित रह गए। तो ऐसे ही प्रकार के संसाधन यदि हमने उपयोग कर लिया तो आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग नहीं कर सकती। लेकिन ये प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग आने वाली पीढ़ी भी कर सकती है। वे संसाधन जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं होने वाले होते हैं, ये प्रकृति में इनके भंडार हैं, असीमित है, प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं। वे संसाधन जो प्रकृति में
प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, असीमित मात्रा में उपस्थित है, उपस्थित है, जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा द्वारा समाप्त होने वाले नहीं है, समाप्त होने वाले नहीं है। वे कौन से संसाधन कहलाएंगे? वे कहलाएंगे अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। उदाहरण, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं जिनका मानव द्वारा उपयोग किया जाता है और वो नष्ट होने वाले हो, ऐसे कौन कौन से हैं? जैसे वायु, हम सब उपयोग करते हैं और वायु हमें किससे प्राप्त होती है? प्रकृति से प्राप्त होती है। जैसे जल, वायु, मृदा, कौन सी होती है? मृदा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ऐसे सभी संसाधन ये किससे प्राप्त होते हैं? हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और ये ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त होने वाले नहीं हैं। दूसरा, दूसरे संसाधन कौन से हो जाएंगे? इसका विपरीत कर दीजिए, तो वो संसाधन जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त होने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो दूसरा हो जाएगा समाप्त होने वाले, होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन। परिभाषा लिख लीजिए, पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे संसाधन जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा, क्रियाकलाप द्वारा द्वारा जल्दी ही द्वारा समाप्त होने वाले, समाप्त हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, उन्हें कौन से कहेंगे? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। दूसरी वही लाइन से मिली, जिन जिनकी मात्रा प्रकृति के अंदर क्या है? सीमित है। प्रकृति में क्या है? सीमित है, यहाँ पर समाप्त होने वाले। जब हम उनका उपयोग लगातार करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप ही क्या होगी? घटती ही जाएगी, क्योंकि उनका मात्रा तो वही है, बढ़ती थोड़ी मात्रा, वो मात्रा तो उन प्रकृति के अंदर वही है, लेकिन मानव यदि इसका तीव्र गति से उपयोग करेगा वो जल्दी समाप्त हो गई, और लेकिन उनका अपने दैनिक जीवन में जितना उपयोग है उतना ही करेगा, तो आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकती है। दूसरा हम देखते हैं पर पढ़िए, दूसरा हम कर लेते हैं, इसी के अंतर्गत समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन, यह संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित है, सीमित मात्रा में उपस्थित है, उदाहरण जैसे कौन कौन से, अब ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में है और हम सब उपयोग करते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस आदि,
ये सभी संसाधन क्या है, प्रकृति के अंतर्गत सीमित मात्रा के अंतर्गत पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होता, नाम सुना होगा जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन ईंधन, ठीक है, ईंधन ईंधन क्या सोचते हैं, जीवाश्म ईंधन ईंधन, ठीक है, ईंधन ईंधन का अर्थ क्या होता है, जिनको हम खाना पकाने के लिए उपयोग में करते हैं, स्रोत होता है, वही क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। तो वे पदार्थ या संसाधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मर्द अवशेषों से या जीवाश्म से होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वे पदार्थ, वे पदार्थ या संसाधन जिनका निर्माण, जिनका निर्माण पेड़ पौधों या लिख देते डायरेक्ट सजीव प्राणियों की मत अवशेषों, मत अवशेषों, इस मत अवशेष का ही नाम क्या होता है, मत अवशेषों को ही कहते हैं जीवाश्म। जीव जंतुओं के मर्द अवशेष होते हैं उसको कहते हैं जीवाश्म। प्राणियों के मर्द अवशेषों से, अवशेषों से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, कोयला व पेट्रोलियम, कोयला व दो लिखते हैं यहाँ पर पहले पेट्रोलियम, और आज हम इस पाठ की चर्चा करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोयला व पेट्रोलियम यानी कि जीवाश्म ईंधन के बारे में ही इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और दोनों के दोनों ईंधन है वो अक्सर समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, हम इसमें ही इसमें इसी का अध्ययन करेंगे। हमें पता है कोयला किससे प्राप्त होता है, सजीव प्राणी है कौन सा, पेड़ पौधों की मर्द अवशेष, और पेड़ पौधे किसमें आते हैं, सजीव प्राणी, और पेट्रोलियम सजीव प्राणियों जंतुओं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं के मर्द अवशेषों से हमें क्या प्राप्त होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है। इन दोनों के बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत विस्तृत व्याख्या करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोयला क्या होता है, सबसे पहले आते हैं कोयला, कोयले का हम आपसे पूछे कि कोयला क्या है, कोयले के बारे में आप क्या जानते हो, इसका नाम होते ही कोयले के बारे में, तो दैनिक सामान्य जानकारी हमें पता है, फिर भी हम इसका बता नहीं सकते हैं कि कोयला क्या है। खाना पकाने वाले काम में आने वाले ईंधनों में से एक कौन सा है, कोयला ईंधन, कोयला क्या ईंधन है। तो सबसे पहले बात हो गई कि खाना पकाने वाले, खाना पकाने वाले ईंधनों में से एक कोयला है, एक ईंधन कौन सा है, कोयला है, कोयला क्या एक ईंधन है जिसका उपयोग कहां करता है, खाना पकाने के लिए करता है। दूसरा, कोयला आपने देखा होगा कैसा होगा, होता है तो कोयला होता है कठोर पत्र जैसा, कठोर काले रंग का पदार्थ है, यह पत्र जैसा कठोर कठोर काले रंग का पदार्थ है, क्या है, काले रंग का पदार्थ है, ठीक है। अगला, पहले इस कोयले का उपयोग रेल के इंजनों को चलाने में, भाप बनाने में किया जाता था, पहले इस कोयले का उपयोग, इस
कोयले का उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में किया जाता था। भाप बनाने में किया जाता है, किया जाता था। वर्तमान में कोयले का उपयोग कहाँ करते हैं? सभी को पता है लेकिन आपको अब याद नहीं आ रहा है। वर्तमान के अंतर्गत तापीय शक्ति संयंत्र होते हैं ना, वहां पर बिजली विद्युत उत्पन्न करने के अंतर्गत भी किसका उपयोग करते हैं? कोयले का उपयोग करते हैं। और दूसरा, औद्योगों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादों या वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। वर्तमान में या ऊपर लिख देता हूं मैं, तो मिटा ली वर्तमान में कोयले का उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इसके अलावा कहाँ किया जाता है? औद्योगों के अंतर्गत विभिन्न औद्योगों में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। ये हो गया कोयला, सामान्य जानकारी है, हमें सबको पता है ये कैसे होता है, पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का पदार्थ होता है। खाना पकाने के लिए भी हम कोयले का उपयोग करते हैं। पहले रेल इंजनों को चलाया जाता था तो भाप बनाने के अंतर्गत कोयले का उपयोग किया जाता है। वर्तमान के अंतर्गत तापीय शक्ति संयंत्र जहाँ से विद्युत उत्पन्न की जाती है वहां भी कोयले का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? कोयले का उपयोग करने करके क्या बने जाते हैं? भाप बनाए जाते हैं। किसकी? पानी, पानी को उबाला जाता है, पानी से भाप बनती है और भाप से टरबाइन घुमाया जाता है और टरबाइन से घुमा करके क्या उत्पन्न की जाती है? वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत बदल देता है। हम दसवीं में आएंगे तब इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे और भी कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन में कैसे करते हैं और विभिन्न औद्योगों में ईंधन के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है, कोयले का उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।